चलो बताओ। कल अपन ने क्वेश्चंस कर रहे थे सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सब्सक्रिप्शन के अपन ने स्टेटमेंट समझे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? 5 तक हो चुके थे, 4 हो गया था, 5 और 6 मैंने दिया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से नहीं बन रहा था, बता रहे थे, देख रहे थे। एक डाउट आया था अंजलि का कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो मैंने बनाया था उसका ठीक अपोजिट नेट पे शो रहा है, बता रहे थे। वहां पे बता रहे थे कि सर एडवांस सेट लिखा है, ओपनिंग क्लोजिंग सेट लिखा, आउटस्टैंडिंग यहाँ से इस तरफ लिखा था, अब इसके अंदर स्टेटमेंट बेस पे करो बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्यों प्रीफर कर रहा हूँ मैं, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक वर्किंग नोट है वहां पे, आप स्टेटमेंट बनाओगे तो छोटा बनेगा, इजीली बन जाएगा, नेट वाला सही और अच्छा भी हो। बट जो मैंने बताया वो अपने बुक से पूरा मैच हो रहा है और सेंसर भी अपने सही आ रहे हैं, मेथड है तो एक तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, पेज नंबर 44 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, ठीक है, 31st December 2018। 31 दिसंबर 2018 के लिए आपको क्या निकालना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब 19 के लिए नई बुक में, है ना, नई बुक आपके पास है, एक या ले लो, मेरी बुक वो रखी होगी ऊपर ऊपर फाइल पे। आउटस्टैंडिंग निकालना ना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं। आप चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी अगर आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग इधर लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग, अगर आप ऐसा करते हो देन फिर आपको रिसेप्शन पेमेंट इधर बताना पड़ेगा और यहाँ पर आपका आंसर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो भी बता सकते हो। क्रॉस करोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इनको भी क्रॉस करना पड़ेगा। अब अंजलि ने बोला तो उस मेथड से एक बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग है कौन सा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कौन से का है, लास्ट ईयर का, तो फिर आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा करंट ईयर में कितना क्लोजिंग रहेगा। एडवांस देख लेते हैं, एडवांस लास्ट ईयर में कितना एडवांस मिला था और करंट ईयर में कितना एडवांस मिला, करंट ईयर, क्लियर। देन फिर अपन ने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर वहां पर आ रहा था ना, तो क्रॉस मिलेगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बाय साइड बेटा क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिफ्थ वाला है ना, 19 ईयर्स में
एक क्लब है हैज 400 मेंबर इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। एक क्लब है जिसमें 400 लोग हैं और हर एक मेंबर कितने चंदा देता है, 500 रुपए देता है। इट मीन्स इसकी एनुअल इनकम दे रखी है। जब भी आपको मेंबर की इंफॉर्मेशन दे रखे और उसका सब्सक्रिप्शन दे रखे तो ये कहाँ पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इट मीन्स 400 मेंबर है और हर एक मेंबर 500 रुपए चंदा देता है, सब्सक्रिप्शन देता है। इट मीन्स इसका इस बार हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए इनकी, 2 लाख रुपए आना चाहिए एक्सेल में, ये दे दिया। इसके बाद क्या बोला उसने, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो अ सम ऑफ 2,05,000। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना शो बता रहा है, 2,05,000 रुपए शो बता रहा। इनकम होनी चाहिए, होती रही है। कुछ ऐसे लोग होंगे सर जिन्होंने एडवांस दिए, कुछ ऐसा होगा जो आउटस्टैंडिंग होगा। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा है 2018 का। देखो अभी हमारा करंट ईयर क्या है, 19 है ना, तो लास्ट ईयर क्या होगा, 2018 2019। देखो ये क्या दे रखा, आउटस्टैंडिंग दे दिया है तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहा लिखा है, ये लिखा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, 30,000। इसके बाद क्या कहा उसने, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ इन एडवांस में ऑन 31 दिसंबर 2019 में एडवांस मिला है। कहा लिखा एडवांस 19 का, एडवांस 90 का लिखा, कितना, 40,000। और क्या दिया उसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था इन एडवांस में 2018 में, 2018 में एडवांस मिला था कितना, 14,000। अभी तक तो हम ये आंसर निकालते आए, इधर ध्यान दो, ये आंसर निकालते आए थे। इस बार ये सब चीज दे दी, क्या निकालना होगा, ये देखो क्वेश्चन में ये लिखा है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019। हमें कौन सा निकालना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है इस बार का, टोटल कर लेते इसका है 2,70,000। तो यहाँ का भी टोटल आना चाहिए 2,70,000, 2,70,000। बैलेंस शीट अगर यहाँ से निकाल लेते माइनस कर देते 2,19,000, 2,70 - 2,19,000 51,000 रुपए इस साल का आउटस्टैंडिंग है। वो सब्सक्रिप्शन जो बाकी है और हमें कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसे बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये भी कर सकते, इसका मतलब ओवरऑल क्या कहा है, हमें क्या निकालना था, करंट ईयर का कितना बाकी है। अब इसको अपन लॉजिक से भी चल सकते, कैसे चल सकते, देखो हमारी एक साल की इनकम कितनी होनी चाहिए, 2,00,000। लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में जाएगा, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में जाएगा, तो अपना करंट ईयर का जाएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से देख लेते, 2,05,000 रिसीप्ट एंड पेमेंट से आया है ना, इसमें लास्ट ईयर का कितना था, 30,000, तो लास्ट ईयर का जाएगा 30,000 माइनस कर दो, ठीक है। और 40,000 हमें एडवांस मिला इस साल, किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। आपको 19 में एडवांस मिला होगा 20 के लिए, ठीक है, याद है। तो ये कर लेते अपन, 70,000 इसमें से माइनस कर दो, 2,05,000 में से माइनस करा हमने 70,000 को, 0,05, 1,00,000 कितना आ रहा, 35,000 आ रहा ना, 14 का भी तो रहेगा एडवांस,
पिछले साल आपको एडवांस दिया होगा वो किस साल आ गया है, इस साल का, तो इस साल जुड़ जाएगी, इस साल की इनकम। नो चार और एक 1,49,000 इस साल आपका आ रहा है, और आपको आना कितना चाहिए था 2,00,000 का, आज कितना रहा 1,50,000, डिफरेंस अमाउंट कितना 51,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला है। तो ये अपने को लॉजिक बस सिंपल सा ध्यान रखना सर, इस साल का क्या है, पिछले साल का पिछले साल में गया, अगले साल का अगले साल में गया, बस इस साल का जो डिफरेंस आएगा वो अपना आंसर है। चाहो तो बेटा उतार सकते हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसने बोला कि अमाउंट बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करते हो, अगर वो बोल रहा कि अमाउंट बताइए रिसेप्शन पेमेंट में कितना आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। इस बार उसने क्या पूछ लिया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होगा कराया गया, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा ये आया। क्वेश्चन नंबर 5 44 पे इसको एक बार अपन स्टेटमेंट से और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना फिर अभी जतिन, अगर आपने अकाउंट बना के कराए, अकाउंट बना के करा के स्टेटमेंट से करा, स्टेटमेंट से करा मैं तो फिर अकाउंट बना के करना फिर आप 6 नंबर का सिक्स वाला। हाँ हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, है ना, करंट ईयर कौन सा 2019। देखो पैसा भी निकालो अब, आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकालो, बेस इसको लोगे आप रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को, ठीक है। यहां पर आप बता सकते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, आपको टोटल कितना रिसीव हुआ 2,05,000 का रिसीव हुआ है, ये आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव था। इसके बाद कहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 18 का लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 का, पूरा लास्ट ईयर का था 40,000 ना, ये माइनस 30। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2019 में मिला आपको इस साल, तो वो जाएगा अगले साल, ये भी लेस होगा नेक्स्ट ईयर में। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये कब के लिए मिला है आपको, फॉर 19 में मिला, लेकिन किसके लिए मिला होगा 20 के लिए, तो अगले साल जाएगा 2020 के लिए, इन 2019 लिख सकते थे यहाँ पर, और फोर लिख रहे थे 2020 कितना 40,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था एडवांस में आपको लास्ट ईयर मिला था, तो इसका यूज आप इस साल करोगे, इसलिए इस साल का सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था आपको कब, इन 2018 में मिला था, कितना 14,000। टोटल कितना आ रहा है 2,19,000 में 14,000 माइनस 2,49,000 ना, टोटल इसका 1,49,000 9,000 यहाँ पे टोटल आ रहा है। और एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारी इनकम क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम बता सकते हैं हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना था, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने लोग थे 200, और हर एक मेंबर कितना पैसे देता, मेंबर तो 400 थे ना, 400 मेंबर थे और हर एक मेंबर 500 रुपए सब्सक्रिप्शन देता था, मतलब यहाँ पर इनकम होनी चाहिए थी हमारी 2,00,000 रुपए, और वो कितना आपको सब्सक्रिप्शन कितना, इट मीन 51,000 क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है इस
कम बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकल गया। देख लो इसको ना, सॉल्यूशन सेकंड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 अभी करना है। देखो क्या लिखा, सो हाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड अपीयर इन द फाइनल अकाउंट ऑफ धोनी क्लब्स बुरहानपुर में। मतलब वही निकालना है कि फाइनल अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या शो होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ध्यान दो उस पर क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ फॉर द ईयर एंडेड 2019 एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। मतलब हमारा करंट ईयर क्या 19, लास्ट ईयर 18 और नेक्स्ट ईयर 20। 2,64,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे दिया लास्ट ईयर का, लेस हो गए। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इन एडवांस में, लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला इस साल के लिए, प्लस इनकम हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, प्लस हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इन एडवांस में करंट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, ये माइनस होगा। अकाउंट बना के करना, अकाउंट बना के कर सकते, स्टेटमेंट बना के करना, स्टेटमेंट बना के करो। इस क्वेश्चन को सेवन नंबर का क्वेश्चन हो गया था क्या आपसे? नहीं, ये ही नहीं था क्या आपने? आपने दिया ही नहीं। अच्छा ट्राई किया था ना सेवन नंबर का। चलो सिंपल स्टेटमेंट से देख लेते हैं। देखो क्या कहा, सेवन में दो बार क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़ना बेटा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब करंट ईयर के अकाउंट में आप कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन शो करोगे। सब्सक्रिप्शन एरियर्स द बिगनिंग, देखो आउटस्टैंडिंग एरियर्स का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बाकी रहा है ना, साल के स्टार्टिंग में बाकी है, तो कौन सा होगा, पिछले साल का, पिछले साल में जाएगा माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, इतना आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में हुआ, और सब्सक्रिप्शन एरियर आउटस्टैंडिंग रहा एट द एंड, मतलब इस साल का बाकी रहा, तो ठीक है इस साल का प्लस कर देंगे, अगले साल का माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। तो एरर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बाकी है ना। अब आप एक जनवरी को बोलोगे की 10,000 किराया बाकी है, तो कौन सा बाकी होगा, पिछले साल का बाकी होगा ना। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ए नंबर का है ना, कैलकुलेशन में ए नंबर देगा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था आपको ड्यूरिंग द ईयर, आपको इस साल के प्रारंभ में आपको क्या 10,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था, पिछले साल का माइनस कर दो, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग को हम एरियर्स भी कहते हैं, एरियर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर लास्ट ईयर कितना था, 1500 रुपए लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर में जाएगा, और इस साल का जुड़ जाएगा, एड कर दो। आउटस्टैंडिंग मतलब एरियर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर के 25, ये प्लस कर दो बस, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन आ गया, इस साल का जोड़ दो पिछले साल का घटा दो, कितना 11,000 का सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ए नंबर का हो गया। बी नंबर में भी देख लेते हैं, क्या कहा बी नंबर में, व्हाट अमाउंट
ऑफ सब्सक्रिप्शन बिल अपेयर इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना रिसीव्ड हुआ होगा, है ना। इसने उल्टा पूछ लिया, क्या बोला, सब्सक्रिप्शन अपेयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना था, 10,000, है ना, 10,000 था। सब्सक्रिप्शन एरियर था एट द बिगनिंग पिछले साल का, बाकी था इस साल मिल गया होगा, इसको इस बार हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और इस साल जो सब्सक्रिप्शन एरियर रहता है एंड इस साल जो मिला नहीं 1500, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आपका आंसर रहेगा। या आप अकाउंट बना के करना चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते हैं इसको। इस बार हमें उल्टा दे दिया है, हमें दे दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस दे दिया, कितना है, 10,000। अब इसने उल्टा पूछा कि इस बार आपको मिला कितना होगा, रिसीप्ट कितना हुआ होगा, पिछले साल का मिल गया होगा इस साल, तो देखो इसमें दे दिया सब्सक्रिप्शन अपेयर सॉरी एरियर्स बाकी था एट द बिगनिंग, तो साल खत्म होते हुए मिल गया होगा, इसको हम एड कर देते हैं, कितना है, 1,000। एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर 1,000 और सब्सक्रिप्शन एरियर था एट द एंड ऑफ ईयर, इस साल का बाकी रह गया जो अभी मिला नहीं होगा, रिसीव नहीं हुआ होगा किश में, इसको लेस कर देते एरियर्स माइनस करो 9,500, ये क्या होगा, आपको मिला होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट। अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे ठीक है, तो उसमें आपका डिफरेंस अमाउंट कहाँ पे आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा, और इस वाले में अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ठीक है। ए और बी आप इसको नोट कर लो, चलो सब्सक्रिप्शन आई थिंक आप कर लोगे, आप है ना, प्रैक्टिस चाहिए बस आपके इसमें, हमें समझना है कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। कैपिटल आइटम और यहां पर आएगा रेवेन्यू, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही समझे, रीजन अकाउंट इंग्लिश में ही है ना। कैपिटल आइटम्स हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत मद, और इंग्लिश इसको बोलते हैं आगमगत मद, है ना। रेवेन्यू आइटम क्या होता है, कैपिटल आइटम वो आइटम जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल का मतलब बोलता है लार्ज लेवल पे, लार्ज आपने लार्ज लेवल पे कैपिटल का मतलब हमने 11 में पढ़ा था सर, जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम लार्ज लेवल पे इनिशियल या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हम जो पैसा लगाते हैं वो हमारे लिए कैपिटल कहलाती है। अभी पैसा हम लगाते किस पे थे, लाइक बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी को खरीदने में, बिकॉज इसका रिलेशन मोस्टली किससे होता है, फिक्स असेट से होता है। ये खर्चे बार बार नहीं होते, ये खर्चे क्या होते बार बार ना होते, क्या होते वन टाइम होते हैं। जैसे अगर मैंने बोर्ड खरीदा तो वन टाइम का, लॉन्ग टाइम चलेगा, है ना, तो ये क्या होगा हमारे कैपिटल आइटम, कैपिटल आइटम, है ना। और रेवेन्यू आइटम क्या होगा, ऐसा आइटम जो आपको के कौन सी एसेट से रिलेटेड होता है, करंट एसेट, असेट, करंट एसेट।
करंट एसेट्स, एसेट्स भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसमें हम इनकम भी ले सकते हैं, एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं। फिक्स एसेट से रिलेटेड हो सकता है, एक मिनट, फिक्स असेट से रिलेटेड भी हो सकता है, और एनपीओ हम पढ़ रहे हैं इसलिए इनकम से भी रिलेटेड हो सकता है। करंट असेट्स भी बोल सकते हैं या एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। ये वन टाइम नहीं होते, ये एवरी ईयर होते। हर साल होते या रूटीन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। रूटीन इनकम या एक्सपेंसेस को हम बोल सकते हैं रेवेन्यू आइटम। ऐसी इनकम या ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें बार बार होते रहते हैं, साल में कई बार होते हैं, कई बार ऐसे इनकम, जैसे सब्सक्रिप्शन है ना। आप मेरे एनजीओ में मेंबर बने हैं, आपको बोला आपको 500 सब्सक्रिप्शन एवरी मंथ देना पड़ेंगे, मतलब 500 रुपए आप एवरी मंथ दोगे, ये मेरे लिए क्या हो गया, रूटीन एवरी मंथ बोल दूंगा, हाफ ईयरली बोल दूंगा, ईयरली बोल दूंगा, तो आप हर साल मुझे कम से कम 5000 रुपए दोगे, ये मेरे लिए क्या हो गई, रूटीन इनकम हो गई है, ठीक है। लेकिन आप आए और आपने मुझसे लाइफ मेंबरशिप फीस ली, आपने क्या बोला, एक बार मैं आपको पैसा दूंगा, मैं लाइफ टाइम मेंबर बनूंगा, तो लाइफ मेंबरशिप फीस कौन सी हो गई मेरी, कैपिटल आइटम। अभी हर साल सब्सक्रिप्शन ना देके एक ही बार देंगे और इनकम क्या रहेगी मेरी, लॉन्ग टाइम चलेगी, तो ये क्या हो जाएगी मेरी, कैपिटल आइटम। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। ये ट्यूबलाइट मैंने खरीदी, ये मेरे लिए क्या, कैपिटल आइटम, लेकिन इसके लाइट का बिल आ रहा है, ये मेरे लिए रेवेन्यू आइटम। ये मार्कर मेरे लिए कैपिटल आइटम, इसके अंदर इंक डाल रहा हूं वो मेरे लिए रेवेन्यू आइटम, क्योंकि बार बार इसमें डालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बोर्ड मेरे लिए कैपिटल आइटम बोल सकता हूँ। बाइक खरीदी आपने, बाइक क्या बोलोगे आप, कैपिटल आइटम, इसके अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं वो रेवेन्यू आइटम है, ये एक्सपेंसेस में आएंगे। कैपिटल रेवेन्यू समझ गए, क्यों फर्क पड़ता है ध्यान रखो, कैपिटल आइटम्स को कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते, और रेवेन्यू आइटम को हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते। इट मीन्स अगर आगे आप फर्नीचर परचेस करा है तो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए कैपिटल आइटम है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हर साल, वो हमारे लिए रेवेन्यू आइटम वो होगा शो। बस ये समझ में आना चाहिए, क्लियर है। कैपिटल आइटम रेवेन्यू आइटम में दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। तीन चीज अपन बनाते हैं इसके अंदर, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीप्ट्स पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस शीट। आप अपनी कॉपी में भी ऐसे ही फॉर्मेट बना लेना तो आपको समझ में आएगा। यहां पर हम बता देते हैं पर्टिकुलर, अगर आपको कैपिटल आइटम दे दिया है तो इसको दोनों जगह शो करेंगे आप, रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में भी शो होगा और बैलेंस शीट में भी शो होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल आइटम को शो नहीं करते, और रेवेन्यू आइटम दे दिया आपको तो दोनों में शो होंगे, है ना, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी, बैलेंस शीट में शो होगा कि रेवेन्यू आइटम, हाँ रेवेन्यू आइटम बैलेंस शीट में शो होगा, अभी नहीं करते, होगा या नहीं होगा वो एक बार तुमको पढ़ना पड़ेगा, नेचर क्या है इसका, क्लोजिंग बैलेंस होगा रेवेन्यू आइटम का तो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखना है, रहेगा, एक बार इसको नोट कर लो, फिर इसका तुम क्वेश्चन देखते हो, मतलब रेवेन्यू आइटम के क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में शो होते हैं, बता सकते हो शो होंगे, तीनों में शो,
चलो एक आधी क्वेश्चन देख लेते इसके। क्वेश्चन नंबर 8। While preparing the final account, जब आप अंतिम खाते बनाओगे समता क्लब के for the year ended 31 December 2019, 31 दिसंबर 2019 के, how will you deal with the entrance fees in each of the following? Entrance fees क्या होती है? Entrance fees दिशा क्या होती है? Entrance fees जब स्कूल में एडमिशन लेने आते हो तब एडमिशन फॉर्म भरते हो ना, तो फॉर्म का कुछ पैसा देते हो, तो एडमिशन फीस बोलोगे आप एडमिशन फॉर्म के। वैसे जब हम एनजीओ में मेंबर बनने जाते हैं तो वो एंट्री लेते टाइम हम जो फीस देते हैं प्रवेश शुल्क कहते हैं इसको, एंट्री फीस है ना, वो क्लब के लिए क्या होगी? इनकम होगी है ना। तो ध्यान रखो इसने बोला आप एंट्रेंस फीस को कैसे ट्रीट करोगे। एंट्रेंस फीस प्रवेश शुल्क एनपीओ के लिए इनकम होती है। कुछ कंडीशन दिए, पहला देखा ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 80,000, इसे क्या माने? फर्स्ट कंडीशन में हमें एंट्रेंस फीस दे दी उसने, एंट्रेंस फीस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगी कहां पे? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट क्या होगी? डेबिट साइड। ये कहां पर आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? डेबिट साइड। डेबिट साइड। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम कॉपी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ध्यान रखना। और एक कॉपी है कैश बुक की, कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट में कैश आता था अपन डेबिट साइड लिखते थे, इट मींस रिसीव डेबिट साइड, और पेमेंट क्रेडिट साइड। कैश जाता था माइनस साइड लिखते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम बाय साइड लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके। हाँ, जो भी इनकम होती थी, मतलब यहाँ पे इनकम कहाँ पे होगी? क्रेडिट साइड, और एक्सपेंसेस होते डेबिट साइड। तो इसे हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू आइटम मान रहे हम, ऐसा एज्यूम कर लेते कि सर एंट्रेंस फीस को हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू आइटम, क्योंकि कुछ भी नहीं क्वेश्चन में कहा है, तो हम इसको रेवेन्यू मान के दोनों साइड बताते हैं। रिसिप्शन पेमेंट में रिसिप्ट साइड डेबिट साइड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मान के इसको क्रेडिट साइड, ठीक है। एंट्रेंस फीस तो एक ही बार दी जाती है क्या? एक ही बार देते हैं। वो हाँ वन टाइम देते हैं, लेकिन ये मान लिया जाता है छोटा अमाउंट है इंटरेस्ट फीस। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि स्कूल में हमें एडमिशन फॉर्म में एडमिशन मतलब एनुअल फीस से ज्यादा, ये तो नहीं हो सकता। 100, 200, 500 रुपए तो मानते ही हमारा क्लब कैसा है, इसमें लोग आते हैं मेंबर बनते रहते हैं, ये रूटीन बता दिया एक तरीके से। इंटरेस्ट फीस हर एक दो महीने में आपकी फर्म में कोई ना कोई जुड़ता रहता है, उसको कंसीडर कराए कि वो देखो फर्म में जुड़ना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना उस लेवल को मुश्किल रहता है। आप बोलोगे मुझे एनपीओ का मेंबर बना दो, आप जुड़ गए, लेकिन कितने टाइम तक जुड़ पाओगे? 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है, वो सारे 2-3 महीने ही जुड़ पाते हैं, पेमेंट ही नहीं कर पाते। इसको रूटीन मान लिया इसने रेवेन्यू, और यहाँ पर दोनों साइड शो कर दिया, बैलेंस शीट का भी शो नहीं होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन में दिया ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस 1,20,000 आपको रिसीव हुई है। इट इज द पॉलिसी ऑफ क्लब, क्लब की पॉलिसी कि एंट्रेंस फीस को क्या मानना है? एज अ रेवेन्यू मानना है। सेम ट्रीटमेंट होगा ना, सेम मतलब फर्स्ट और सेकंड को आप सेम बता सकते हो इसमें। एडमिस 1,20,000 को रिसीप्ट साइड डेबिट साइड, और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड बताएंगे। इसके बाद थर्ड वाला ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस 1,60,000 है, क्लब की पॉलिसी है कि इस एंट्रेंस फीस को कैसे शो किया जाए? कैपिटल रिसीप्ट्स ना। थर्ड वाले में अगर एंट्रेंस फीस को आप क्या मान रहे हो? कैपिटल रिसीप्ट्स मान रहे हो, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा डेबिट साइड, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटलाइज मतलब कैपिटल आइटम है। कैपिटल आइटम अपने 11th में बैलेंस शीट बनाई होगी है ना, बैलेंस शीट में आती है कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट ना बना के कैपिटल फंड बना देगा है ना, इट मीन से बैलेंस शीट में कहां पे आएगी? कैपिटल फंड में आएगी, कैपिटल फंड में एड हो जाता है।
बस रेवेन्यू और कैपिटल आइटम के दो ट्रीटमेंट पता होना चाहिए आपको। और फोर्थ वाले में ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट फीस 2 लाख रुपए रिसीव हुई है, क्लब की पॉलिसी 50% इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज हो, और 50% क्या हो एंड प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल फंड का 75,000 है। इट मीन 2 लाख में से 1 लाख क्या मानना आपको रेवेन्यू और 1 लाख मानना है ना कैपिटलाइज, वो सॉरी हाँ कैपिटलाइज मानना है। इट मीन फोर्थ के दो पार्ट होंगे इसमें ए नंबर का है ना। बिल देखो एंट्रेंस फी ए नंबर में अगर इसको हम रेवेन्यू मानते हैं तो रेवेन्यू मान रहे तो रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। बेटा जब आप अकाउंट को बनाओगे ना इसके तो बहुत अच्छे से जाएगा ये, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन जब ये अकाउंट बनेंगे ना तो आपको एकदम परफेक्ट आ जाएगा ये। नहीं ये वो आपको आ जाएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम। और अगर इसको आप कैपिटल मानते ये 50% आपने क्या माना रेवेन्यू माना, 1 लाख क्या होगा डेबिट होगा और 1 लाख क्रेडिट होगा। और कैपिटल आइटम मानते 50% 1 लाख डेबिट होगा तो रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट साइड होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होता, और यहाँ पर बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल फंड कितना करना है 1 लाख। पुराना कैपिटल फंड कितना था 75,000 और इस बार का कैपिटल फंड है 1 लाख, तो टोटल कैपिटल फंड हो गया 1,75,000 1,75,000। ये हो गया क्वेश्चन, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करना था इसका, प्रैक्टिकल नहीं था ये समझाने के लिए। हाँ बता दो क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 7-8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन नंबर 8 था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है आपको, एक्सपेंसेस 17,500 आपने पेड करे थे 2018 में ना, इट मीन्स करंट ईयर आपका क्या है 2018, तो लास्ट ईयर होगा 2017 और नेक्स्ट ईयर 2019 है। इसके बाद ऑन 31 दिसंबर 2017 लास्ट ईयर की बात करिए, आपने एक्सपेंसेस किए थे 1800 रुपए 1800 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे लास्ट ईयर के 1600 रुपए, ये लास्ट ईयर के ही थे। तो इसके बाद डॉट लगाया है, फिर ध्यान देना ऑन 31 दिसंबर 2018 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे दिया और प्रीपेड मतलब एडवांस बैलेंस दे दिया 1200 और 1500 रुपए। आपको बताना होगा हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना, उसका मतलब ओवरऑल कहने का एक ही मतलब है कि इस साल खर्चे कितने बताना है, इस साल के खर्चे लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में, इस साल का इस साल में, और नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में आएगा। या आप देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप नाम ना लेके आप क्या बता सकते हो इसको एक्सपेंसेस अकाउंट बता सकते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट बना दो। सब्सक्रिप्शन कोई अकाउंट नहीं है, तो एक मेथड करने की आप जो चाहो उस मेथड से इसको फॉलो कर सकते हो। देखो एक्सपेंसेस अकाउंट से आता नहीं हमारा, सेम वही है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फॉर्मेट वही डालना हमें टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीड बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीड। बेटा अपने को अपडेट करने की आदत डालो है ना, कई बार कुछ हो जाता है तो अंजलि ने वो ऑप्शन निकाला तो फिर मैं उसको यूनिवर्सल फॉर्मेट पे फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे,
क्या लिखा आपने बीडीसीडी कोई तो करा है, बस हमने वो नाम बदला। एक चीज है, अगर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आ गया लास्ट ईयर का, तो पहले आउटस्टैंडिंग फिर आएगा करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। अभी आउटस्टैंडिंग का हो गया तो ये एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग होगा। एडवांस को प्रीपेड भी कहते हैं, आपको पता है ना, प्रीपेड हमने पहले पेड कर दिया है, इसमें से एडवांस दे दिया है, तो लास्ट ईयर का एडवांस प्रीपेड और एडवांस होगा करंट करंट ईयर। फिर यहाँ पर क्या लेना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर अपना माइंड सेटअप चेंज नहीं कर पाओगे ना, तो इन फ्यूचर आप कोई सी गलत चीज समझ लोगे तो आपके दिमाग में हमेशा वही रहेगी, आप सही को अपडेट करने की कोशिश ही नहीं करोगे। यहाँ पर देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट, तो जो मिलता सब्सक्रिप्शन वो आप रिसिप्ट में लिखते, तो पेमेंट का मतलब आपने पेमेंट भी किया होगा, तो यहाँ पर आएगा कितना पेमेंट करा इस साल आपने, 17,500। ये एक्सपेंडिचर में हमने 17,500 का किया था पेमेंट। इसके बाद क्या कहा उसने, करंट ईयर क्या हमारा इसमें 18 है ना, तो लास्ट ईयर होगा 2017 लास्ट ईयर, 2018 करंट ईयर। और इसके बाद क्या कहा उसने, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंसेस था लास्ट ईयर का 1800 रुपए, तो कहा लास्ट ईयर का एडवांस लास्ट ईयर है ना 1800 लास्ट ईयर का था, फिर आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का ही है ना 1600 का लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1600। फिर आगे क्या दिया इसने, 31 दिसंबर 2018 करंट ईयर की बात कर रहा, पहला आ रहा आउटस्टैंडिंग विद प्रीपेड, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1200 रुपए का है 1200 1200 1200। और प्रीपेड है करंट ईयर का कितना, 1500 रुपए 1500 1500 है ना सही बड़ा। इसको आप एडवांस भी लिख के आप प्रीपेड भी लिख सकते हो, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आएगा, टोटल कर लेते इसका कितना हो रहा 3000 20500 17,400 कितना जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रहा है। स्टेटमेंट से करना चाहो तो स्टेटमेंट से भी कर सकते, अकाउंट बना के कर लो ज्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 पेज नंबर 40। हो गया है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आज अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करे, 5, 6, 7, 8 और 9 करा अपन। एक बार आप फिर रिवाइज कर लेना बेटा, इस फॉर्मेट को अपडेट, उस फॉर्मेट से भी आ जाएगा आपका आंसर, फॉर्मेट तो सेम ही रखा अपन ने, क्या चेंज करा सर, बस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग इधर कर दिया, एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग इधर कर दिया है ना, और इसको रिवर्स कर दिया, और वो फॉर्मेट से करना, तो उस फॉर्मेट से भी 100% तो ठीक है। कल हम करेंगे सैलरी अकाउंट बनाएंगे, देन फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाना सीखेंगे, ये सब वर्किंग मोड होने बेसिक, एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं,
बहुत कम रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रहते ही नहीं है ना, एक दो नंबर के पीछे नहीं छोड़ सकते। ठीक है बेटा, फिर बाकी है ना कल करते हैं, ठीक है।